YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की झलक। दोस्तों, भारत एटीएम में बड़ी बदलाव होने जा रहा है, बड़ी अपडेट आने जा रहा है। क्या है बड़ी अपडेट, आज के इस वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे और वीडियो YouTube में सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों चलिए हम भारत एटीएम ऐप्स को ओपन करके दिखाते हैं क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा भारत एटीएम ऐप दिख रहा होगा, इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको वेट करना है, ये ओपन हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा आ रहा है, देखिए प्लीज अपडेट योर ऐप लिख करके आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों भारत एटीएम ऐप ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट आ रहा है भारत एटीएम ऐप का, और जो बड़ी अपडेट आ रहा है दोस्तों उसे भी आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए, क्या बड़ी अपडेट है मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट के साथ साथ। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लिए। यहाँ पर देखिए भारत एटीएम का अपडेट आ चुका है, जो कि दोस्तों अभी तुरंत अभी आया है, एक दो मिनट हुआ है। प्ले स्टोर में अभी देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले दोस्तों मैंने प्ले स्टोर को ओपन करके देखा था, लेकिन वहां पर अपडेट का ऑप्शन आया ही नहीं था, जो कि दोस्तों ये ऐप्स अपडेटिंग में आ चुका है। तो इसे हम अपडेट कर लेते हैं और फिर ओपन करके दिखाते हैं क्या कुछ इसमें बदलाव हुआ है। यहाँ पर देखिए इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पर आपको वेट करना है। यहाँ पर दोस्तों मेरा भारत एटीएम ऐप्स सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। चलिए हम आपको ओपन करके दिखाते हैं क्या कुछ बदला हुआ है, क्या उसमें अपडेट मिला है। तो चलिए हम फिर से ऐप्स को ओपन करते हैं। देखिए ये ऐप्स ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको वेट करना है। देखिए दोस्तों, ऐप्स ओपन हो चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम वही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों क्या अपडेट मिलने जा रहा है उसे चलिए हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन में दोस्तों आपको दिख रहा होगा भारत एटीएम का डैशबोर्ड। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड में आपको होम में दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको माय बिजनेस, माय अर्निंग, यहाँ पर भारत एटीएम क्रेडिट है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये कंप्यूटर का डैशबोर्ड है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ ऊपर में नोटिफिकेशन दिखेगा, यहाँ पर आपका प्रोफाइल दिखेगा, यहाँ से आप अपने प्रोफाइल से लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद गेट स्टेटमेंट का दिखेगा, उसके बाद चेक बैलेंस का दिखेगा, उसके बाद बिल पेमेंट का दिखेगा, यहाँ पर आरडी अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद रिसीव्ड मनी का क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखेगा। नीचे जाएंगे बिल पेमेंट में तो यहाँ मोबाइल दिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी दिखेगा, उसके बाद इंश्योरेंस दिखेगा, उसके बाद बुक सिलेंडर का ऑप्शन दिखेगा। ये दोस्तों भारत एटीएम की तरफ से बड़ी अपडेट आने जा रहा है, जो कि दोस्तों आप भारत एटीएम को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में भारत एटीएम को यूज कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर दोस्तों कैश विड्रॉ का ऑप्शन हाई ही नहीं, यहाँ पर कैश विड्रॉ का ऑप्शन ऐड ही नहीं हुआ है। ये दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों कैश विड्रॉ का ऑप्शन ऐड नहीं किया गया है। अब दोस्तों हम लोगों को अपडेट आने तक का इंतज़ार करना होगा और देखना पड़ेगा उसमें कैश विड्रॉ का ऑप्शन ऐड हुआ है या नहीं, जो कि दोस्तों आपको YouTube में ये वीडियो सबसे पहले देखने को मिल रहा है और इस चैनल में भी आपको सबसे पहले ही देखने को मिल रहा है। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपडेटिंग के बारे में सभी को सबसे पहले जानकारी मिल पाए। जैसे ही दोस्तों भारत एटीएम का डेस्कटॉप वर्जन बड़ी अपडेट आ जाता है तो आपको इस चैनल में सबसे पहले देखने को मिलेगा, इस चैनल में सबसे पहले डेस्कटॉप वर्जन का वीडियो मिलेगा।
तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही हेल्पफुल भी लगा होगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।